उनसे उनके बुलाने पर कोई आएगा ही नहीं। तो दोस्तों कभी भी आप कॉलिंग करो तो अपने सीनियर के सामने करो, जो आपको इस सिस्टम में लेकर आया है, जिसने आपको ये बिज़नेस ज्वाइन करवाया है, जो भी एक्टिव अपलाइन है उसके सामने आप कॉल करो, ताकि वो ये देख पाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। और कभी भी आपको रिक्वेस्ट मोड में कॉल नहीं करना है अपने दोस्त को, ठीक है। और ऐसा नहीं सोचना है कि वो दोस्त जो है वो बकरा है और वो आएगा, वो जुड़ जाएगा तो आपको पैसा आ जाएगा। नहीं दोस्तों, ये गलत एक फीलिंग है जिसके साथ लोग इनवाइट करते हैं। आपको उसकी हेल्प के लिए उसको इनवाइट करना है। आपको ये सोचना है कि आप उसको हेल्प कर रहे हो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देकर। अगर कल वो इस बिज़नेस से 20,000 50,000 महीने कमाता है तो वो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। और कभी भी आप इनवाइट करो तो जो इनविटेशन स्क्रिप्ट होती है, हर एक बिज़नेस में स्क्रिप्ट आपको देता है सीनियर, उस स्क्रिप्ट का यूज़ करके ही आप उसको बुलाएं। और कभी भी बुलाते समय कुछ वर्ड का ध्यान रखें, जैसे आपको ये नहीं बोलना है कि यार अभी मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, या फिर यार तेरे को ना संडे को सेमिनार में आना है, ठीक है, या फिर मैंने एक स्टार्ट किया है एक बिज़नेस, तो इस तरह का कोई भी वर्ड नहीं है। आप अपने अपलाइन से स्क्रिप्ट ज़रूर लीजिए, और शुरू के 5-10 कॉल आप हमेशा अपने अपलाइन या सीनियर के सामने करिए, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। दूसरी चीज़, आपको शुरू में इनवाइट उनको ही करना है जो आपके ऊपर फेथ करते हैं, क्योंकि शुरू में जो आपको ऊपर ट्रस्ट करता है वो बंदा आपकी हेल्प के लिए भी जुड़ जाएगा, ठीक है। जब आपका वो बंदा जुड़ जाएगा जो आपके ऊपर पूरा पूरा विश्वास करता है, तो आपका जो भी इनकम बनेगा वो इनकम दिखाकर फिर आप बाकी लोगों को जो जो कम ट्रस्ट वर्दी हैं उनको भी आप इस बिज़नेस में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत में आप अपने अपलाइन के ही सामने कॉल करिए, अकेले में कॉल नहीं करिए, नहीं तो आप गलतियां करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। उसके बाद क्या है कि कभी भी जब भी आपका सीनियर प्लान दिखाता है, ठीक है, वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम देता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इतनी बड़ी टीम को छोड़ के आता है आपके लिए, अपना टाइम मैनेज करके आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने, आपको दोस्त को वो इतने अच्छे से प्लान दिखाने का कोशिश करता है कि वो एक दोस्त आपका जुड़ जाए और आपका टीम साइज़ ग्रो हो। तो होता क्या है कि जब प्लान दिखा दिया जाता है उसके बाद नए लोगों को काफ़ी शर्म महसूस होती है पैसा मांगने में। दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि जो भी दोस्त आपका आ रहा है बिज़नेस प्लान देखने, वो जो दोस्त है वो कभी भी उस अनजान आदमी को पैसे नहीं देगा जो कि आपका अपलाइन है, आपका सीनियर है। वो हमेशा आपको पैसे देगा क्योंकि वो आपको जानता है। तो आपको 10 से 15 मिनट लगाना है क्लोजिंग के लिए। आपको सीधे सीधे बोलना है, भाई पेमेंट कैसे कर रहा है, मिलके बढ़िया काम करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट देना है, कन्विक्शन दिखाना है और बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। वो 2 मिनट की शर्म आपकी सेल को क्लोज नहीं कर पाएगी अगर आप शर्माओगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर वो उस समय क्लोज़ नहीं हो पा रहा है, पेमेंट नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उससे फिजिकली मिलके फॉलो अप करना है, और फॉलो अप के साथ फिर पेमेंट लेना है। और कई लोग गलती करते हैं कि अपने दोस्त को इनवाइट करते हैं और बेगिंग मोड में इनवाइट करते हैं कि यार प्लीज़ आ जा, आधा ही घंटा निकाल के आ जा यार, एक बिज़नेस प्लान है देख ले, ठीक है, तू यार बहुत ही मेरी एक हेल्प कर दे, एक बिज़नेस प्लान देख लें। दोस्तों कभी भी अगर आप किसी भी दोस्त को इनवाइट करने के लिए अगर प्लीज़ प्लीज़ करोगे तो उसको कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगेगा कि आपका इस काम में फ़ायदा है, और वो कभी भी नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो एहसान करके चला जाएगा, वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल एटीट्यूड के साथ, बिल्कुल उसको गिविंग मोड में इनवाइट करना है कि भाई देख एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अगर तू सीरियस है तो देख ले, 40-50 हज़ार रुपये तू महीने के पार्ट टाइम पे अर्न कर सकता है, ठीक है, सीरियस है तो देख ले, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और भी लोगों के नंबर हैं, मैं और किसी को कॉल करता हूँ। तो कभी भी आपको बैगिंग मूड में इनवाइट नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे मेरे तरफ से जो होपफुली आपको काम आएंगे, और आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहूँगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।